कीजिए, मेरा हुनर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा हुनर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भरवा करेले बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने लिए हैं 500 ग्राम करेले। ये सब्जी ऐसी होगी जो कि 15 दिन तक खराब भी नहीं होगी और करेले आपको बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। इसके लिए मैंने और लिया है 1 टेबल स्पून हल्दी, आधा कटोरी सौंफ पिसी हुई, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, 1 आम मेरे पास पुराना रखा हुआ था, 1 साल पुराना है मेरा, जो कि मैंने सेव करके रखा था स्टोर करके, और गुड़ है। ये गुड़ आप अपने अनुसार स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, कम भी कर सकते हैं ज़्यादा भी। मैंने कम करीब 1.5 टेबल स्पून लिया है और थोड़ी हींग और स्वादानुसार नमक। सबसे पहले हमें करेलों को छीलना है, इस तरह से इसके डंठल काट देने हैं और इसका ऊपर का छिलका छील देना है। छिलका छीलने के बाद इस तरह से बीच में से आपको चीरा लगाना है। ये इसी तरह से आप सारे करेले छील लें और चीरा लगाकर और उसमें नमक लगाकर रखना है। कि मैंने सारे करेले छील लिए हैं और बीच में से चीरा लगा दिया है। अब आपको इसमें इस तरह से सारे करेलों में नमक भर लेना है और ऊपर से भी इस तरह से लगा करके करीब 1 घंटे के लिए रख देना है। हो चुका है, हमने जो नमक लगा के रखा हुआ था, अब हम इसे अच्छे से पानी से धो लेंगे। मैंने पानी से धो लिया है ये, और इस तरह से बहुत अच्छे से दबा करके इसका सारा पानी निकाल देना है। अब हमने पैन गरम कर लिया है, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, करीब 2 चम्मच। गरम हो चुका है, अब हम इसमें हींग डालेंगे, सौंफ डालेंगे। गैस सिम पर रखनी है हमें। हल्दी डालेंगे, धनिया, मिर्च, खटाई और गुड़, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नमक भी डाल लेंगे। ये हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है, अब इसे हम करेलों में भरेंगे। पैन में हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम फिलिंग इसमें करेले में भर लेंगे अच्छे से। इस तरह से दबा कर भरनी है। देखिए तेल गरम हो चुका है, अब हम गैस सिम पर करेंगे और सारे करेले इस तरह से रख देंगे। धीमी आंच पर सिकेंगे ये। धीमी आंच पर इसे ढककर रख देना है। हम बीच बीच में इन्हें पलटते रहेंगे जिससे ये हर तरफ से अच्छे से सिक जाए और इनका पानी पूरी तरह से सूख जाना चाहिए। देखिए भरवा करेले बनकर तैयार हैं। ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे और 15 दिन तक चल सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, जिससे मेरे अगले वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। I'm not afraid to die.